Assalamu alaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm sure ki aap log aapke gharon par safe honge. That's good. I'm happy that today is our second session. And inshallah, in second session, hamara jo lesson tha, hum complete kar lenge with the exercises. Theek hai? So, are you ready for that? Good. I'm going to share my screen. जी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गुलजार हिजरी कैंपस कमल उर्दू का गुलदस्ता हमारी आठवीं क्लास की बुक है. बुक का नाम है फौजिया एहसान फारूकी राइटर है. फर्स्ट टर्म सिलेबस हमारे पास है हम नात किस्सा हजरत मूसा रहमतुल्लाह का मौसम का हाल शिकवा नजम है एक नाकाबिले फरामोश वाकया सुबह का समा पाकिस्तान के मौसम और नजारे फतेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह सिंध को फतेह किया था हमारी कहावतें मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ गजल. ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत हम खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है खुदाया बातिन व जाहिर भी तू है वो अव्वल तू है कि आखिर से आखिर वो आखिर तू है कि अव्वल से फाखिर. नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई वराय अकल है तेरी खुदाई मुबरा कैद और अतलाक से तू मुनज्जा अंफ सो आफाक से तू जमीनो आसमां का नूर है तू मगर खुद नाजिर मंजूर है तू सिवा तेरे नहीं मौजूद कोई ना आबिद है ना है माबूद कोई मुस्लिम है तुझी से हुक्मरानी मुसलिम है तुझी से हुक्मरानी कि तेरी सल्तनत है जादुवारी. हम में अल्लाह पाक की तारीफ की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. बहुत ही खूबसूरत हम्द है मोहम्मद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई जिसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में पढ़ा था. इसके तीन स्टंजा को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया था. खुदाया अव्वल और आखिर भी तू है खुदाया बातिन और जाहिर भी तू है मीनिंग्स भी इसके बताए थे मैंने आपको और इस शेर की तशरीह भी बताई थी कि इसका मतलब क्या है शायर क्या कहने वाला है. खुदाया अव्वल से आखिर तक सिर्फ एक ही जात हुक्मरान है जिसने रहना है दैट इज अल्लाह. बातिन भी तू है जाहिर भी तू है आया भी तू है छुपा हुआ भी तू है आंखों के सामने भी तू है नजर ना आने वाला तू ही तू है. बहुत ही खूबसूरत स्टंजा है. वो अव्वल तू के है आखिर से आखिर वो आखिर तू है कि अव्वल से फाखिर अव्वल आखिर जो भी है वो ही है ना खत्म होने वाली सिर्फ वो सिर्फ जिसने खत्म नहीं होना. हम पैदा हुए हैं एक कैरेक्टर है हमारा इस दुनिया में हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं और जब हमारी परफॉर्मेंस का टाइम खत्म हो जाएगा तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे. लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसी कोई सिफ वो अव्वल आखिर सब वही. नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई बराए अकल है तेरी खुदाई इसमें शायर कहता है तू मेरी जात वाला और जिस कायनात का वजूद खत्म हो जाए तब भी तू ही होगा. ओवरऑल जो इस हम की तारीफ है वो अल्लाह की खुदाई उसकी वहदानियत पर. ये तीन शेर हमने लास्ट क्लास में कर लिए. आज हमारा नया जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है. इसमें देखिए हमको रेड कलर कर दिया गया क्योंकि हम आज इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे. अच्छा जी अब हमारे पास शेर है स्ट्रेंजा है जमीनो आसमां का नूर है तू मगर खुद नाजिर और मंजूर है तू. इसमें मुश्किल अल्फाज है नजर नजर के मायने हैं देखने वाला और मंजूर के मायने हैं दिखाने वाला. इस शेर की तशरीह ये है कि इसमें शायर कहता है शायर की मुराद फिर अल्लाह ताला से. अल्लाह को नाजिर इसलिए कहा गया है कि वो कायनात की हर शय को देखता है. कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से अपने आप को छुपा सके. अल्लाह मंजूर है
वो हर चीज पे कादिर है. इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग समथिंग एट द बैक ऑफ अल्लाह, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी. अगर हम कमरे में छुप के कोई काम कर रहे हैं और ऐसा सोचते हैं कि इसे अल्लाह ताला नहीं देख रहा, या हम बच जाएंगे, या हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, तो ये हमारी बहुत बचकाना सोच है. क्योंकि जब हम पैदा हुए, हमारे कान में आजान दी गई, तो हमें ये बता दिया गया कि अल्लाह एक है, हर चीज पर कादिर. तो उसकी वहदानियत को चैलेंज करना या ऐसा दिमाग में वसवसे लाना भी गुनाहे कबीरा से आता है. तो अल्लाह ताला वो जात है जिसे छुप नहीं सकते आप, चाहे वो आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको हर हाल में हर जगह देख रहा है, क्योंकि वो आपकी शहरत से भी करीब है. जमीनों आसमां का नूर है, हर जगह, हर जगह फूल पत्ता पहाड़ दरिया समंदर, हर जगह अल्लाह ताला, हर जगह उसकी वादानियत तो उसका हुस्न दिखता. पहाड़ की खूबसूरती देखिए, पहाड़ पर चढ़ के कभी जमीन को देखा है किस कदर खूबसूरत है? कभी पानी की गहराई को महसूस किया है? कभी देखा है कि समंदर कितना खूबसूरत है? उस समंदर में कितनी मखलूकात हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं, जो जिंदा हैं, जो जिंदा रहती हैं, जो मरती हैं उस परवरदिगार की. तो हर जगह उसका अक्स हर चीज में झलकता है. 5 बजे सुबह, 4:30 बजे परिंदों की चहचहाट की आवाज आती है, क्या करते हो? सना करते, अल्लाह ताला का जिक्र करते, दुआ करते, अपने रिस्क पिन करते. वो साथ तो बहुत रही मगर सिर्फ मांगने की देर है, वो नवाजता है. और स्ट्रेंजा है, सिवाय तेरे नहीं मौजूदगी कोई, ना आबिद है ना माबूद कोई. इसमें मुश्किल अल्फाज है मौजूद. मौजूद के मायने हैं वजूद रखने वाला, और माबूद के मायने हैं जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसके लिए जिया जाए, जिसके लिए मरा जाए, यानी कि अल्लाह ताला. और इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहता है, दुनिया फानी, हम सब खत्म हो जाए, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी. सो तो इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत है. जब आपको बता दिया गया, आपके टारगेट्स ये हैं कि आप इस दुनिया में पैदा किए गए, भेजे गए हैं इतने से टाइम के लिए, और आपका एक कैरेक्टर है, आपकी एक परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के साथ आपको दो रास्ते दिखा दिए गए, एक अच्छाई का एक बुराई का. दिस इज योर ओन चॉइस कि आप उन दोनों पैसेजेस में से, उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे. अगर तो आपने जन्नत पे जाना है, अगर तो आपने अपनी आखिरत अच्छी करनी है, तो आप नेकी का रास्ता चूज करें, क्योंकि आपको पता है कि अव्वल और आखिर अल्लाह ही है. ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है. सिवाय तेरे नहीं मौजूद कोई, ना आबिद है ना माबूद कोई. जी, ये हमारे स्ट्रेंजा कंप्लीट हुए. अब मैं आपको कॉपी वर्क बता रही हूँ कि किस तरह से करना है. बहुत ध्यान से देखिए. सबसे पहले आपने ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिस वन. इंडेक्स का पेज कॉपी में बना होता है, इंडेक्स के पेज को छोड़ के एक पेज लेफ्ट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा. समटाइम इंडेक्स कम पड़ जाता है तो दूसरा पेज इंडेक्स के लिए यूज हो सकता है. एक पेज खाली छोड़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म सिलेबस. ये सिलेबस मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. आप लोग अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन इस मेरी कॉपी से अच्छी बनाएं. ठीक है, ये करने के बाद आप खुशकति करेंगे. किसकी खुशकति करेंगे? लिखेंगे दुआ की, हम की. ये देखिए, ये हम लिखा हुआ है, ये हम. आप हम की खुदकशी करें, खुदकुशी करेंगे, राइटिंग करेंगे, मीन्स अच्छा सारा लिखेंगे.
फिर आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे शायर का तारुफ लिखेंगे, इस नज़म के इस हम के शायर का नाम लिखेंगे, उनकी तारीफ लिखेंगे, सेम लाइक इट, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद आप अशार की तशरीह लिखेंगे। अशार आपके पास है, खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व जाहिर भी तू। इसी तरह से पेज बनाना है, अशार की तशरीह लिखिए, अशार लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, लाइन लगाएंगे, 4 या 3 लाइंस लगाएंगे, मींस के 3 या 4 वर्ड्स होंगे हर शेर में मुश्किल। बातिन लिखेंगे, जाहिर लिखेंगे, बातिन के मीनिंग होगी छुपा हुआ, नजर ना आने वाला, पोशीदा। जाहिर लिखेंगे, जाहिर की मीनिंग लिखेंगे आया, नजर आने वाला, जो आंखों के सामने है। फिर तशरी लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक, तो एक शेर हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, जी सबसे पहली चीज राइटिंग हो गई, सेकंड नंबर शायर का तारुफ हो गया, अशार की तशरी, सबसे नंबर 1 का शेर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है, फिर लिखेंगे शेर, तशरी लिखिए, वो अव्वल तू के है आखिर से आखिर, वो आखिर तू है कि अव्वल से फाखर। इसमें भी मुश्किल अल्फाज भी हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने भी साथ करते हैं, फाखर फखर करने वाला, अव्वल पहला, आखिर आखिर। फिर तशरी लिखिए, फिर लिखेंगे, नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, दराए अक्ल है तेरी खुदाई, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, फिर तशरीह। फिर लिखेंगे अशार, जमीन व आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाजिर व मंजूर है तू, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, फिर शेर की तशरीह लिखेंगे। सिवाय तेरे नहीं माबूद कोई, ना आबिद है ना माबूद कोई, मुश्किल अल्फाज के मायने अगेन, फिर शेर की तशरीह। ठीक है, ये तो हो गए 5 अशार जिनकी आप तशरीह लिखेंगे मायने के साथ, मीनिंग के साथ। अब आपने काम करना है कि नेक्स्ट पेज पे मंदरजा ज़ेल अल्फाज के कम अज कम 3 हम काफिया अल्फाज लिखिए। आखिर का हम काफिया क्या है, 3 अल्फाज लिखिए, हुक्मरानी के, नूर के। इस हम का खुलासा तहरीर कीजिए, इस हम का खुलासा लिखना है, खुलासा 1 पेज का हो, इनफ। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज लाइक योर टेस्ट, खुलासा क्या है, आपको तशरी से ही सारी चीजें मिल जाएंगी। वो एक्सरसाइजेस देखें टीचर ने आपके लिए करवा दी हैं, ये आपको करनी है। ठीक, परेशान होने वाली बात नहीं है, मुझसे पूछ लीजिएगा सेपरेटली। दजज़ अल्फाज के मतजाद अल्फाज तहरीर करें, अव्वल आखिर, जाहिर बातें, अक्ल ये आप लोगों ने खुद करना है, मंजूर जमीन। दजज़ अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, खुदाया अव्वल, अक्ल, जमीन व आसमान, मरानी, मंजूर। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर है मंदरजा ज़ेल में से हर एक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाकर खाली जगह में लिखिए। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ की जाए उसे डैश कहते हैं, नात, हम, गजल, जो भी कहते हैं वो टिक करके इसमें लिख लीजिएगा। ये बुक पे नहीं करना है, डू ऑल वर्क इन योर कॉपी। You are not kids, small kids नहीं है कि ये फलंदा ब्लैंक से इस तरह की एक्सरसाइजेस आप कॉपी में बुक में करेंगे। Do every work in your copy, okay? Number 2 है, हम खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है के शायर डैश हैं, हफीज जालंधरी, मौलाना जफर अली खान, मोहम्मद इस्माइल। फिर नंबर 3 है, शेर के आखिर में दोहराए जाने वाले अल्फाज रद्दीफ कहलाते हैं, इस हम के पहले शेर के रद्दीफ डैश है, भी तू है तू से आखिर। हम के पहले शेर में अल्लाह ताला डैश की सिफात का जिक्र करता है, 2, 3, 4। पहला शेर अगर समझा है तो बहुत इजीली कर देंगे। वराए अकल है तेरी खुदाई से मुराद है कि अल्लाह अव्वल व आखिर है, अल्लाह की सल्तनत और शान को समझना अकल से बालातर है, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। बहुत ईजी। ठीक, ये एक्सरसाइजेस करके आप मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें। यहाँ से आप क्या कॉपी वर्क शुरू हुआ, दिस इज योर कॉपी वर्क, ओके? मींस हाउ मेनी पेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 पेजेस का काम, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर करते जाएंगे, देन आई विल चेक और आप लोगों को रिटर्न करते जाएंगे। ओके, और आफ्टर क्लास 2 आवर्स के बाद हम फीडबैक सेशन में भी मिल रहे हैं। फीडबैक सेशन में हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, ठीक है? बट इट्स वेरी सेपरेट, मैसेज मी सेपरेटली, ग्रुप पे ये वाला मैसेज मत कीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप लोगों का ये वाला लेवल कितना है। आप 12 में से एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, हम बाकी 11 में से कौन सा बच्चा क्या चाहता है, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर लेवल, ओके? और सेपरेटली मैसेज करना, डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप पे नहीं होगा। इफ यू आर, इफ यू वांट अस, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दो। अगर आप ये चाहते हैं कि हम चैप्टर नंबर नाथ पढ़ें, किस्सा मुस्तफा पढ़ें, सिर्फ अपने व्हाट्सएप से सेपरेटली मुझे मैसेज करें, टीचर अपना नाम बताइए, शांजा शिकवा, आई विश के शिकवा चैप्टर पढ़े। दूसरा बच्चा कहता है, उमैर कहता है, टीचर पाकिस्तान के मौसम और नजारे, जो भी आपकी चॉइस हो, तो मुझे पता चलेगा कि जिस चीज का मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ वो मेरे सामने आ जाए। पाएंगे तो इंशाल्लाह, वी विल मीट आफ्टर 2 आवर्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।